जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का आज जो पांचवा दिन खेला जा रहा है उसी की लाइव अपडेट के बारे में कि आखिरकार अभी तक मैदान पर क्या स्कोर चल रहा है और क्या लाइव अपडेट है। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि आज जब ईशांत शर्मा कर रहे थे बल्लेबाजी तो उस दौरान मार्क वुड ने उनका विकेट चटकाने के लिए किया कुछ ऐसा कि भड़क गए देखकर भारतीय क्रिकेट दर्शक, जानने के बाद आपको भी आएगा गुस्सा। तो दोस्तों आखिरकार क्या ये पूरा वाक्य हुआ था मैदान पर इसके बारे में भी बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी 123 साल में पहली बार दिखा अनोखा नजारा, टूटा क्रिकेट इतिहास का ऐसा सबसे खास रिकॉर्ड कि जानने के बाद आप भी रह जाओगे हैरान, खिलाड़ी का नाम भी चौंकाने वाला। तो दोस्तों आखिरकार किसने ये बड़ा इतिहास रचा है इसके बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल RS न्यूज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 181 रन बनाए, जहां पर ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर जारी इस टेस्ट मैच में भारत के पास 154 रनों की कुल बढ़त हो गई थी। हालांकि दोस्तों उपकप्तान अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की बदौलत टीम इंडिया ने वापसी की, लेकिन दिन का खेल खत्म होने से पहले तक दोनों ही पवेलियन लौट गए और स्टंप्स के समय भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 14 रन और वहीं ईशांत शर्मा 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि भारत ने लंच तक 3 विकेट 56 रन पर ही गवा दिए थे, जिसके बाद अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने शतकीय साझेदारी करी। तो वहीं रहाणे और पुजारा की साझेदारी को मार्क वुड ने तोड़ा, जहां पर उन्होंने पुजारा को पारी के 73वें ओवर की चौथी गेंद पर जो रूट के हाथों कैच करवाया। तो वहीं पुजारा ने 206 गेंदें खेली और 4 चौकों की मदद से 45 रन बनाए और उनके आउट होने के बाद रहाणे भी मोइन अली की गेंद पर जोस बटलर को कैच थमा बैठे, जहां पर रहाणे ने 146 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौकों की मदद से 61 रन का योगदान दिया और वहीं उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 24वां अर्धशतक चौके के साथ पूरा किया। तो वहीं उन्होंने पारी के 68वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाया, लेकिन जिसके साथ ही अर्धशतक भी उनका पूरा हुआ, जहां पर पुजारा और रहाणे ने इसी के साथ 100 रन भी जोड़ दिए थे। हालांकि हर किसी को उम्मीद थी रविंद्र जडेजा से, लेकिन वह मोइन अली की गेंद पर बोल्ड हो गए, जहां पर वो 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं बाद में खराब रोशनी के कारण मैच को 82 ओवर के बाद रोकना पड़ा और हालांकि थोड़ी देर बाद ही खेल की समाप्ति की भी घोषणा कर दी गई और इससे पहले दूसरे सेशन में 28 ओवर में भारतीय टीम से 49 रन ही बने, लेकिन भारत ने कोई भी विकेट नहीं गवाया था। तो वहीं इससे पहले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने फॉर्म में चल रहे भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों को सस्ते में पवेलियन भेजकर लंच तक मैच पर मेजबानी की पकड़ मजबूत कर दी थी। हालांकि दोस्तों अब पांचवें दिन हर किसी को उम्मीद होगी ऋषभ पंत से, क्योंकि ऋषभ पंत अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं। ऐसे में हर कोई चाहेगा कि ऋषभ पंत आज पांचवें दिन तूफानी रंग दिखाकर अपना और इतिहास रचे और साथ के साथ भारतीय टीम को एक बड़े टारगेट तक पहुंचा, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम के सामने वो टारगेट बड़ा लगे और ये मैच कम से कम भारतीय टीम हारे ना तो ड्रॉ तो हो ही जाए। ऐसे में दोस्तों आज पूरा दारोमदार ऋषभ पंत के ऊपर होने वाला है और उनका साथ ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को भी जरूर निभाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम जीतेगी या फिर इंग्लैंड की टीम या फिर ये मैच ड्रॉ होगा? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली खबर निकल कर आ रही है वो ये है 123 साल में पहली बार हुआ था अनोखा क्रिकेट मैच, शतकों का बना था खास रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, खराब मौसम, बारिश और कम रोशनी की वजह से अगर मैच रुक जाए तो क्रिकेट फैंस को यह बात ज्यादा चुभती है, लेकिन 21 साल पहले इसी रोशनी को दूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने खास पहल की थी। जी हां दोस्तों, ताकि बारिश, तूफान या फिर मौसम किसी भी तरह की बेरुखी का मैच पर कोई भी असर ना पड़े और ऐसी सोच के साथ इंडोर क्रिकेट का सपना पूरा हुआ था। दरअसल आज ही के दिन 16 अगस्त 2000 को पहला अंतरराष्ट्रीय इंडोर क्रिकेट मैच खेला गया था, जो कि मेजबान मेलबर्न के डॉकलैंड स्टेडियम में की गई और मुकाबला मेजबान ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था। और दोस्तों ये रोमांचक मुकाबला काफी ज्यादा बढ़िया रहा और बाकी आप यहां पर पूरी समरी भी देख सकते हो उस मुकाबले की। बाकी आपकी क्या राय इसके बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर ये दूसरा टेस्ट मुकाबला अपने अंतिम चरण
पॉइंट पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएं कि भारतीय टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के सामने दूसरी पारी में अपने 6 विकेट गंवाकर 181 रन बनाए थे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम पूरी तरीके से लड़खड़ाती हुई नजर शुरुआत के पहले सेशन से ही चौथे दिन आने लगी थी, क्योंकि जिस तरह से केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हुए और मात्र 55 रन पर ही भारतीय टीम के 3 विकेट गिर चुके थे, और उसके बाद फिर मैदान पर बल्लेबाजी डटकर की चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने। जी हाँ दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा दीवार की तरह खड़े रहे और उन्होंने 206 गेंदों में 45 रन बनाए, तो वहीं दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे ने 146 गेंदों में शानदार 61 रनों की पारी खेली। करने के लिए ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा 181 रन से आगे खेलना शुरू किए, तो यहाँ पर ऋषभ पंत ने आज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर हर किसी को बहचक्का कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत आज अपने आक्रामक रूप में नजर आए, जहाँ पर वो बड़े बड़े शॉट खेलते हुए इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। तो वहीं दोस्तों, इसी दौरान ऋषभ पंत ने एक बड़ा कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है जिसे जानने के बाद आप भी उन पर गर्व करने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत ने आज अपने टेस्ट क्रिकेट में 1479 रन पूरे करते के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ब्रेटली, एंड्रयू साइमंड्स और डेविड हॉकटन को पीछे कर कमल याशिर हमीद जैसे खतरनाक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी पीछे करने का कारनामा कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है ऋषभ पंत के इस रिकॉर्ड के बारे में, और आप ऋषभ पंत को इस रिकॉर्ड के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहोगे। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, आउट होने के बाद विराट कोहली का गुस्सा हुआ वायरल, लॉर्ड्स की बालकनी में दिखा लटका हुआ चेहरा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में संघर्ष करती हुई नजर आई, जहां पर इंग्लैंड के साथ जारी दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को टी ब्रेक तक अपनी दूसरी पारी में भारत ने 3 विकेट पर 105 रन बना लिए, और ऐसे में इस मैच की दूसरी पारी में सबसे ज्यादा उम्मीद भारतीय कप्तान विराट कोहली से थी, लेकिन उनका बल्ला इस पारी में भी खामोश ही रहा। जी हां दोस्तों, कप्तान विराट कोहली लॉर्ड्स के मैदान पर दूसरी पारी में सिर्फ 20 रन बनाकर ही सैम करन का शिकार हुए, लाते हुए भी नजर आए। जी हां दोस्तों, चौथे दिन स्टंप से पहले कुछ ऐसा नजारा था कि मैदान पर थोड़ा अंधेरा छा गया था और बल्लेबाज लगातार बल्लेबाजी करते चले जा रहे थे और वो एम्पायर से शिकायत नहीं कर रहे थे, लाइट की समस्या मैदान पर होने लगी, और ऐसे में ईशांत शर्मा और ऋषभ पंत पर इन दोनों का गुस्सा फूटा। बाकी आपकी क्या राय इनके बारे में, आप अपनी कितनी राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में आरएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।